शिक्षा में तो चौपटी हो गया। आप बताइए, 3 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं होता। मुख्यमंत्री के सामने एक लड़के ने सवाल पूछा, 6 साल हो गया उसका कोर्स नहीं कंप्लीट होता। मुख्यमंत्री कहते चलो यहाँ से निकलो। सब जो है पूरी तरीके से इन लोगों ने चौपट कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बार शिक्षा के मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार को घेरा है और उन्होंने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस विकास की बात करते हैं वो विकास कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बात कर ले अगर हम शिक्षा की, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहद ही खराब है। बिहार की स्कूलिंग की बात कर ले, सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं होते हैं, बच्चे को बैठने के लिए बेंच नहीं मिलता है। अभी भी उसी तरीके से बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। कई जगहों से, कई ज़िलों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां मुख्यमंत्री ये कहते नज़र आते हैं कि विद्यालय बनवाए गए हैं, शिक्षक नियोजन चल रही है, शिक्षक लोगों की भर्ती की जा रही है, लेकिन फिर भी बिहार के सरकारी स्कूल में कई जगहों पर शिक्षक नहीं दिखाई देते हैं। बात कर ले अगर आपको यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में 3 साल की डिग्री को 6 साल में कंप्लीट किया जाता है। और इन सब चीजों को लेकर के आज फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप सुनिए। शिक्षा में तो चौपटी हो गया, अब तो ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी का अगर देख ले तो भाई अलग ही युद्ध चल रहा है। प्रभावित कौन हो रहा है? बिहार का भविष्य प्रभावित हो रहा है, छात्र नौजवान प्रभावित हो रहे, छात्राएं प्रभावित हो रही। आप बताइए, 3 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं होता। मुख्यमंत्री के सामने एक लड़के ने सवाल पूछा, 6 साल हो गया उसका कोर्स नहीं कंप्लीट होता। मुख्यमंत्री कहते चलो यहाँ से निकलो। आप बताइए, वो लड़का बिहार में पढ़ेगा या दूसरे राज्य में जाके पढ़ेगा? बिहार का पैसा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा बाहर? यही बात तो हम लोग लगातार कहते रहे। शिक्षा, चिकित्सा, सब जो है पूरी तरीके से इन लोगों ने चौपट कर दिया। तो जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घेरते नजर आ रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर शिक्षा व्यवस्था को फिजड़ी बताया है। नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भी शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिहार की इन सब व्यवस्था को फिजड़ी बताया गया है। इसके पहले जब स्वास्थ्य व्यवस्था की भी हम बात कर लें तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य व्यवस्था भी सबसे निचले पायदान पर है और शिक्षा व्यवस्था भी सबसे निचले पायदान पर है। और इसे लेकर के आज तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास की बात कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है और हम लोग की सरकार जब से आई है तब से लगातार विकास किए जा रहे हैं। 15 साल पहले उठा के देख लीजिए आप कि बिहार की कैसी स्थिति थी और अब बिहार कितने अच्छे, मतलब कितना विकास कर रहा है। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा है और उनको जमीनी हकीकत बताई है। और भी ऐसे तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें और ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।